जितनी भी चीजें हम सबके आसपास में उपलब्ध हैं वो सारी द्रव्य हैं, समझ में आया। बस बात ये है कि इसमें दो तरीके के होते हैं, एक को तो हम देखकर या छूकर जान सकते हैं कि ये द्रव्य हैं, और कुछ को हम देख या छूकर जान ही नहीं सकते हैं कि ये द्रव्य है या कुछ और है। जैसे कि आप देखकर या छूकर, जैसे लकड़ी है, कोई कोई धातु है, कोई मेज, कोई भी चीजें आपके पास हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या हैं? वो भी द्रव्य हैं। और जिन्हें आप छू कर या देख कर नहीं जान सकते, जैसे कि ये वायु है, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, लेकिन वो भी द्रव्य है। क्योंकि क्योंकि वो भी द्रव्यमान रखते हैं, आयतन रखते हैं अपना अपना। अगर इसे परिभाषा की दृष्टि से देखें तो द्रव्य ब्रह्मांड का एक ऐसा अवयव होता है जो द्रव्यमान रखता है और आयतन भी रखता है, यानी कि वो स्थान भी घेरता है, बस यही द्रव्य है। द्रव्य की अगर भौतिक अवस्थाओं के बारे में बात करें तो जैसे कि ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये भौतिक की तीन अवस्थाएं होती हैं। ठोस जो होता है, इनमें आकर्षण बल यानी अंतराकर्णीय बल एकदम बहुत ही पास में होते हैं, इसीलिए ठोस होते हैं। द्रव जो होता है वो, उसमें थोड़ा कम अंतराकर्णीय या आकर्षण बल बहुत कम होता है, थोड़ा सा ठोस के अकॉर्डिंग थोड़ा कम होता है, इसीलिए वो द्रव होते हैं, वो बह सकते हैं, उनमें तरलता होती है, वो बह सकते हैं। और गैस जो होता है तो उनमें जो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत छेड़ बल होते हैं, बहुत छेड़ ही आकर्षण बल होते हैं, इसीलिए वो गैस होते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि द्रव्य क्या है। अगर समझ में आया है तो खड़ाक से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।